एक क्वेश्चन देखते हैं हम आज, हम रॉबिन कॉर्प स्ट्रिंग मैचिंग में जो कोरमैन एग्जाम कोरमैन बुक के आपका अनसॉल्व क्वेश्चन है वहाँ से हमने क्वेश्चन को पिक किया है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर द क्यू इज इक्वल टू 11 मीन्स जो रैंडम प्राइम नंबर की बात कर रहे थे हम प्रीवियस लेक्चर में, इसका थ्योरेटिकल लेक्चर अगर आप देखना चाहें एल्गोरिथम के साथ तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर को देख के आएंगे तो और बेटर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन फोकस करते हैं। फॉर क्यू इक्वल टू 11 एक रैंडम नंबर दिया हुआ है जो प्राइम नंबर है 11, हाउ मेनी वैलिड एंड स्पूरियस हिट फाउंड फॉर गिवेन टेक्स्ट एंड पैटर्न, ये पैटर्न और टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसमें से फाइंड आउट करना है हिट मीन्स या तो वैलिड हिट हो या फिर स्पूरियस हिट हो। प्राइम नंबर आपको जो दिया है 11 दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करता है जो रॉबिन कॉर्प ने हैशिंग फंक्शन दिया था, वो दिया था कि मॉड पैटर्न का हम ले लेंगे मॉड क्यू, क्यू मीन्स 11, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे देखें तो आ जाएगा यहाँ पे 4 मीन्स 26 को डिवाइड 11 से करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 4, मॉडुलस ऑपरेटर आपका वही आपका रिमाइंडर देता है। अब हम यहाँ पे सबके लिए क्योंकि इसकी साइज कितनी देखिए, पैटर्न जो था 26 दो करेक्टर में केवल है तो हम दो दो साइज लेके सबका हम मॉड 11 निकालेंगे, मतलब पहले हम निकालते हैं 31 का, अगर 31 का हम निकालते हैं मॉड 11 सबका हम मॉड 11 ही निकालेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा 9। इसी तरह से हम इसका मॉड निकालेंगे 1 और 4 का, तो 1 और 4 का मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 14 14 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो मॉड कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से 41 का देखें यहाँ से तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा 8, जब 41 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है आपको 8 ही बचेगा। हम इसका निकालते हैं 15 का, दो दो करेक्टर हम ले रहे हैं देखिए क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न था दो दो ही दिया था तो 15 निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 59 का निकालेंगे तो 59 का भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 92 का निकालेंगे तो 92 का कितना आ जाएगा 4। 26 का निकालेंगे तो अगेन कितना आ जाएगा 4। 65 का निकालते हैं मॉड 11 करेंगे तो मॉड 11 65 में कितना आ जाएगा 10। 53 का 9 आ जाएगा। 35 का 2, 58 का 3, 89 का 1, ऐसे 97 का आपका आ जाएगा, ये 97 किसको हम ले रहे हैं दोनों को तो 9 आ जाएगा, और 79 का देखें तो 79 का आ जाएगा 2, 93 का देखें तो आ जाएगा 5। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा पैटर्न था पैटर्न का अगर हमने मॉड निकाला था कितना आया था 4, अब यहाँ पे देखिए केवल केवल किसका किसका 4 आया है, बाकी किसी को आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये इग्नोर हो जाएगा, हमारा काउंट केवल केवल जिस पे 4 आया है वही होगा, बाकी सब इग्नोर्ड हो जाएगा, बाकी किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पहला 4 आया था ये वाला, इसको देखिए ये इसका जो किस किस करेक्टर का था 15 15 का अगर हम मॉडल 11 निकाले थे तो आया था, यहाँ मैच कीजिए 26 के इक्विवेलेंट है क्या ये, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया स्पूरियस हिट, स्पूरियस हिट। ऐसे ही अगर हम दूसरा 4 देखें तो ये किसका है 59 59 है, यहाँ पे कितना 26, ये भी मिसमैच कर रहा मतलब एक स्पूरियस हिट ये भी काउंट हो गया। यहाँ पे क्या है 92 92 अगेन मिसमैच कर रहा है इससे तो ये भी स्पूरियस हिट हो गया। यहाँ 26 आया इसमें, यही आपका क्या है वैलिड, ये वैलिड हिट आया क्योंकि यहाँ भी 26 पैटर्न दिया था यहाँ भी था तो यहाँ भी वैलिड 6 आया, बाकी तो टोटल काउंट में देखें तो 3 स्पूरियस हिट आ गए और एक क्या आ गया आपका वैलिड हिट आ गया, ये आपका वैलिड हिट इस तरह से आ जाएगा। तो होप सो एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं रॉबिन कॉर्प मेथड के थ्रू। नेक्स्ट एल्गोरिथम हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट ऑटोमेटा बेस्ड स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम।